उत्तराखंड के जोशी मठ में जमीन धंसने और घरों में दरारें पड़ने की घटनाओं के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा ने यह बैठक बुलाई थी, जिसमें कैबिनेट सचिव राजीव गुबा, गृह सचिव, केंद्र सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्यों के साथ इस मामले के सभी पहलुओं पर विचार विमर्श किया गया। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक के दौरान मुख्य सचिव उत्तराखंड ने जोशीमठ से प्रधानमंत्री कार्यालय को जानकारी दी है। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा को समीक्षा बैठक में अवगत कराया गया कि भारत सरकार की एजेंसियां और विशेषज्ञ के लघु, मध्यम और दीर्घकालिक योजना तैयार करने में राज्य सरकार की सहायता कर रहे हैं। एनडीआरएफ की एक टीम और एसडीआरएफ की चार टीमें पहले ही जोशीमठ पहुंच चुकी हैं। आपको बता दें कि इस हाई लेवल मीटिंग में पीएमओ के सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में निर्णय लिया गया कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य कल उत्तराखंड का दौरा करेंगे और जोशीमठ की स्थिति का आकलन करेंगे। इसके साथ ही राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण, आईआईटी रुड़की, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के विशेषज्ञों की टीम, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान और केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान घटनाक्रम का अध्ययन करने और अध्ययन की सिफारिशें सरकार को देंगे। बता दें कि जोशीमठ की जमीन में दरारें बढ़ती जा रही हैं। आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव रंजीत सिन्हा के नेतृत्व में 8 सदस्यीय विशेषज्ञ पैनल ने स्थिति का अध्ययन कर अपने रिपोर्ट केंद्र राज्य सरकार को भेज दी है। जोशीमठ के 25% इलाके ऐसे भू धसाव से प्रभावित बताए जा रहे हैं।